हाय फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीरीज प्लस एक्सटेंशन बोर्ड। हम एक सीरीज प्लस एक्सटेंशन बोर्ड कैसे बना सकते हैं जिसमें हमारे तीन काम एक साथ होंगे। जैसे हमारे इस 5-पिन सॉकेट से हमारी सीरीज जलेगी, मतलब हम जो भी टेस्ट करना चाहें, कूलर के वाइंडिंग वगैरह या फिर कुछ किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी चेक करना चाहें तो हम सीरीज से आसानी से चेक कर सकते हैं। प्लस हम जैसे ही ये वाला बीच वाला स्विच ऑन करेंगे वैसे ही हमारा बल्ब ग्लो होने लगेगा, मतलब हम कहीं पर नाइट में हमें लाइटिंग चाहिए तो हम वहाँ पर आसानी से बल्ब जला के भी काम कर सकते हैं। जो हमारा लास्ट वाला 5-पिन सॉकेट है, इससे हमारा क्या काम होगा कि हम अगर मोबाइल वगैरह चार्ज करना चाहें या फिर ड्रिल मशीन चलाना चाहें या फिर जो भी ऐसी चीज़ चलाना चाहें जो हमें ज़रूरत पड़ रही है हमारे काम करने में, तो हम आसानी से चला सकते हैं। ये तीन काम ये बोर्ड एक साथ करेगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बोर्ड बनाने के लिए आपको तीन वन वे स्विच की ज़रूरत पड़ेगी, दो 5-पिन सॉकेट की ज़रूरत पड़ेगी, एक बल्ब होल्डर की ज़रूरत पड़ेगी और एक बल्ब की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए अब हम इसकी वायरिंग करते हैं। इसकी वायरिंग करने के लिए सबसे पहले आपको इतना बड़ा एक कॉपर का टुकड़ा लेना है, एक कॉपर वायर का टुकड़ा है। आपको तीनों स्विच के जो नीचे के पॉइंट्स हैं इसके ऊपर ये कॉपर का वायर का टुकड़ा लगा देना है। कुछ इस टाइप से लगाना है कि तीनों आपस में कनेक्ट हो जाएँ। ठीक है, इस टाइप से आपको एक कॉपर का वायर का टुकड़ा लगा देना है और दो स्विच को टाइट कर देना है, एक को लूज छोड़ देना है क्योंकि उसके ऊपर दूसरा वायर भी लगेगा। फिर हमें एक इतना बड़ा वायर का टुकड़ा लेना है और जो हमारा 5-पिन सॉकेट है जिससे हम मोबाइल का चार्जर वगैरह या फिर ड्रिल मशीन चलाएंगे, उसके राइट साइड यानी जिसका राइट साइड कौन सा है, इसका राइट साइड ये है, यानी मेरा सीधा हाथ ये है ना, तो इसका राइट साइड ये है। इसके राइट साइड में हमें एक वायर का टुकड़ा लगा देना है इस टाइप से, राइट साइड में लगा दिया है। और दूसरा वाला सिरा हमें उसके स्विच के ऊपर लगाना है जिससे ये 5-पिन सॉकेट ऑपरेट होगा। तो मैं इस वाले स्विच के ऊपर इसका ये वायर लगा देता हूँ। देखिए, कुछ इस टाइप से हमें इसके राइट साइड के ऊपर ये वाला वायर का लगा देना है। फिर हमें एक इतना बड़ा वायर का टुकड़ा और लेना है और इसके राइट साइड यानी जो हमारा सीरीज काम करेगी इसके राइट साइड वाले पॉइंट के ऊपर हमें वायर का टुकड़ा लगाना है। ये राइट साइड है इसका, तो मैं इसके ऊपर एक वायर लगा देता हूँ और दूसरा वाला पॉइंट जिससे ये सीरीज ऑपरेट होगी उस वाले स्विच के ऊपर जाएगा, सीरीज का इसके ऊपर जाएगा और हमें इसको टाइट कर देना है अच्छे से। फिर हमें एक और इतना बड़ा वायर का टुकड़ा लेना है और हमें जो ये वाला स्विच है, सीरीज वाला स्विच, इसके इस वाले पॉइंट के ऊपर लगाना है और हमारा जो दूसरा वाला पॉइंट है वो हमारा जो एक बल्ब का वायर है उसके साथ जुड़ेगा। कुछ इस टाइप से हमें बल्ब के साथ जोड़ना है ये वाला पॉइंट और बीच वाले स्विच के ऊपर वाले साइड में हमें लगा देना है। ये हमारा बीच वाला स्विच है जिससे हमारा बल्ब डायरेक्ट ग्लो होगा, उसके ऊपर वाले साइड पॉइंट पे हमें ये लगा देना है। कुछ इस टाइप से ये दोनों एक साथ लगेंगे। देखिए, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक साथ लगेगा। देन हमें जो हमारा नेक्स्ट वाला बल्ब का पॉइंट है उसमें क्या करना है, हमें हमारा न्यूट्रल वायर लेना है। न्यूट्रल वायर और बल्ब का वायर दोनों एक साथ हमें मिलाने हैं और दोनों को हमारा जो 5-पिन सॉकेट है जिसे हमारा चार्जर या ड्रिल मशीन चलेगी उसके लेफ्ट वाले पॉइंट के ऊपर हमें ये लगा देना है, बल्ब का और एक न्यूट्रल का। देखिए, मैंने इसको टाइट कर दिया है, एक ये न्यूट्रल और एक ये बल्ब का। ठीक है, अब हमें हमारा फेस वाला वायर लेना है। ये वाला हमें जो हमें तीनों ये स्विच का जो हमने लूज छोड़ा था इसके ऊपर हमारा फेस वाला वायर लगेगा। लास्ट में हमारा जो अर्थ वाला वायर है जिसे हम अर्थिंग देते हैं, जो लीकेज करंट को रोकता है या लीकेज करंट हो तो उसको ग्राउंड कर देता है, वो वाला अर्थ वाला पॉइंट हमें जो 5-पिन सॉकेट का अर्थ पॉइंट है ऊपर वाला उसके ऊपर लगाना है एक वायर और उसी को हमें दूसरे वाले 5-पिन सॉकेट के अर्थ पॉइंट के ऊपर लगाना है। ये जो ऊपर का जो आपको पॉइंट दिख रहा है ये अर्थ पॉइंट होता है इसका। तो फ्रेंड्स, हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इसकी वायरिंग आपको समझा देता हूँ कि ये काम कैसे करेगी। जैसे हम ये वाला स्विच ऑन करेंगे उससे क्या होगा, हमारा जो यहाँ पर फेस है वो ऊपर के साइड जाएगा और यहाँ 5-पिन सॉकेट के ऊपर आके रुक जाएगा, मतलब हमारा यहाँ तक फेस आ गया है। और जो हमारा न्यूट्रल वाला वायर है वो
देखिए ये हमारा न्यूट्रल है, तो ये क्या होगा कि एक बल्ब में चला जाएगा। अब बल्ब को न्यूट्रल तो मिल गया है, अब जलाने के लिए फेस चाहिए, ठीक है। तो फेस उसको कहाँ से मिलेगा, जैसे हम ये वाला जो आपका बल्ब का दूसरा वाला वायर दिख रहा है, ये यहाँ से इस पॉइंट पे आएगा और यहाँ से इस पॉइंट पे, मतलब हम जब भी ये दोनों पॉइंट को टच करेंगे आपस में, ये जैसे हम स्विच ऑन करके दोनों पॉइंट को टच करेंगे, तो हमारा बल्ब जलने लगेगा जिससे हमारी सीरीज काम करेगी। ये हमारा पहला पॉइंट है। और जैसे हम ये बीच वाला स्विच ऑन करेंगे, उससे क्या होगा कि हमारा फेस ऊपर की तरफ जाएगा, यानी इस वाले पॉइंट पे, और डायरेक्ट बल्ब में चला जाएगा। और ये बल्ब में जाके यहाँ पर इसको फेस मिल गया और न्यूट्रल इसको पहले से ही बल्ब को मिल रहा होगा, तो हमारा जो बल्ब है हम जहाँ पर नाइट में काम कर रहे हैं तो डायरेक्ट जल जाएगा और हम आसानी से काम कर पाएंगे। जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट है, ये जिससे हम ड्रिल मशीन या मोबाइल चार्ज करने के लिए बना रहे हैं, उससे क्या होगा, जैसे हम ये वाला स्विच ऑन करेंगे तो हमारा फेस यहाँ से होते हुए ये 5-पिन सॉकेट के ऊपर आके रुक जाएगा और इसको न्यूट्रल पहले से मिल रहा है, मतलब हम यहाँ से डायरेक्ट ड्रिल मशीन या जो भी हम चलाना चाहें वो आसानी से चेक कर पाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा डायरेक्ट है, यानी 230 वोल्ट, इसमें हमें कोई भी मतलब टॉप लगा के टच आपस में नहीं करना है, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो ये हमारा सीरीज़ है, इससे हम टच कर देंगे तो बल्ब चलेगा, जिससे हम जो भी वाइंडिंग वगैरह चेक करना चाहें वो आसानी से चेक कर पाएंगे। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो हमारा अर्थ, मतलब हमारा कभी भी लीकेज करंट हुआ या फिर जो भी हुआ वो ग्राउंड आसानी से हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको चला के चेक करते हैं। देखिए जैसे मैं वाला स्विच ऑन करता हूँ, इसके बाद मैं ये टॉप लगाऊंगा इसके अंदर और इन दोनों को टच करूंगा। देखिए इससे हम सीरीज काम करेगी हमारी, जैसे हम किसी की चीज़ की कंटिन्यूटी या फिर किसी की वाइंडिंग चेक करना चाहें तो आसानी से सीरीज से चेक कर पाएंगे, ये हमारी सीरीज काम करेगी। जैसे ही मैं ये वाला स्विच ऑन करूंगा हमारी सीरीज काम करना बंद कर देगी, और हमारा जहाँ पर भी हमें नाइट में लाइटिंग वगैरह चाहिए या फिर हम जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर अंधेरा हो, तो हम ये आसानी से ये बल्ब जला के यहाँ से डायरेक्ट ये स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब ग्लो करने लगेगा, इससे हम आसानी से वहाँ पर लाइटिंग ला सकते हैं और आसानी से काम कर सकते हैं। ये हमारा बोर्ड का दूसरा काम है। तो जैसे हम ये लास्ट वाला स्विच ऑन करेंगे, इससे हम डायरेक्ट मोबाइल जो भी चार्ज करना चाहें या फिर ड्रिल मशीन चलाना चाहें वो आसानी से चला पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसके बारे में और कुछ पूछना हो या सीखना हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।